वो बरकरार है और इस चीज के लिए एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट कठनीय मुख्य अतिथि श्री सूरमचंद शर्मा ओट का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच पधारे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और मंच पर शोभायमान है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर श्री सुनील कुमार जी और हेड असिस्टेंट विपिन कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, ये एक ऐसा मौका है जिसके उसमें अपना बेहतरीन दिखाना और आप सबके बीच में होगा, वो रास्ते में है। 8 टीमों के बीच में आज खो खो के मुकाबले होंगे और जो आप में से सबसे बेहतरीन होगा वो आगे जो श्रीनगर के जो डिवीजन के साथ कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे बच्चे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप हकदार हैं क्योंकि आप सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग बेहतरीन हैं, चीज आपके अंदर होनी चाहिए। मैं अब आज के माननीय मुख्य अतिथि जी के विधिवत स्वागत के लिए सबसे पहले सुनील जी से अनुरोध करूंगी कि फूलों के गुलदस्ते के द्वारा आप आज के मुख्य अतिथि स्वागत करें। जोरदार तालियां। प्रदीप कुमार जरी पियो और योगराज जी आप भी जरा मंच पर। एक्टिविटी इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट कठुआ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वो कृपया इस जान हो करें। धर्मेंद्र जी, सभी चेयरपर्सन शॉर्टकट करूंगा। सर, सर रासिन इन टीमों ने जहां तक ज्वाइन किया है कोशिश की है इनसे बेहतरीन से बेहतरीन कम्पोटेशन देने की, खाना देने की। सर हम कोई भी इवेंट हमें मिले हम करते हैं उसको, खासकर डिस्ट्रिक्ट कठुआ बातें करूंगा आपके साथ। सर जो बातें हमें करनी थी पहले वो आज करने जा रहा हूं मैं आपके साथ, क्योंकि सर आप 63,000 को टारगेट को अचीव किया था तो सर उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई भी इवेंट हमें आप दे दीजिए कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट है बच्चों। मगर सर उसमें हमें एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर विचार करूंगा। सर खाना हम दे सकते हैं, अकोमोडेशन हम दे सकते हैं। सर एक प्रॉब्लम सर आती है, जब हमने पिछले साल 2,63,000 लोगों को खिलाया सर, एक प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम है बच्चों को किराए की प्रॉब्लम हमें सर आती है। मैं सर आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहूंगा के दर बच्चों का पैसा किराया बैंक के थ्रू बैंक उनके उसके साथ, क्योंकि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जहाँ से 250 किलोमीटर ऊपर बनी मलार लोहांग आप जानते हैं सर बलीबाती जहाँ से ऊपर है, तो सर उन बच्चों के लिए सर गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, साइकिल देखना बड़ी बड़ी बात है उनके लिए। तो सर उन्होंने मेरे ख्याल बैंक अकाउंट की तो बात ही रहना, उन्होंने बैंक में नहीं मेरे ख्याल देखा होगा। अगर उन्हें बैंक देखा होगा तो पहले किसी से 5 साल पहले 6 साल पहले उन्हें अगर अकाउंट खुलाएंगे तो वो अभी डेड फुट में पड़ा हुआ है, तो सर उसको रीएक्टिवेट करने के लिए सर वो 200-300 रुपए देंगे फिर रीएक्टिवेट होगा, हमारा 100 रुपया उसके बीच जाएगा। सर वो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि इस बार भी जो पिछले साल की प्रॉब्लम है वो हमें सर अभी भी खड़कवा रही है। हमारा आज भी वो सर जो मिसलेनियस पैसा है वो हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है सर, ताकि हम सुचारू रूप से अपनी टूर्नामेंट को आगाज कर सकें। उसके सर बच्चे भी फिर दूसरे साल नहीं आते हैं और जो टीचर उनके साथ आते हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर सर जब बच्चों का पैसा नहीं होता, एक सरपंच पंच डीडीसी बीडीसी वो हमारे ऊपर रहता सर पैसा, किसी को मेजर प्रॉब्लम पता नहीं होती कि पैसा क्यों नहीं पड़ा। तो सर इसके लिए सर हमें कोई गाइडलाइन दीजिए, तो हमारे जो जेडपीओज है हमारे हम भी सुखी रहे और बच्चों का जो भविष्य भी अच्छा बना रहे कि बच्चों, इसलिए कि खाना हम अच्छा बहुत दे देते हैं, जब किराए की बात आती है तो बच्चे सर बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे होते हैं जो हमारे जो 6 जोन है सर बहुत प्रॉब्लम क्रिएटेड जोन है। तो इसलिए सर रिक्वेस्ट है मेरी, तो सर लास्टली एक रिक्वेस्ट मेरी और भी है कि हमें सर कोई भी इवेंट दीजिए, कबड्डी खो खो वॉलीबॉल क्रिकेट फुटबॉल जो भी दीजिए, पर सर इंडोर हमारे पास कुछ नहीं है अपना, इंडोर गेमिंग के लिए सर हम थोड़ा आपसे माफी मांगेंगे। रेसलिंग दे रहे थे तो रेसलिंग का हमारे पास मैट भी नहीं है सर, अगर रेसलिंग हम देंगे तो मैट हमें जम्मू से लेनी पड़ेगी, कोऑपरेट कीजिए ताकि हम और
हमारा जो फील्ड स्टाफ है, जो 2022 का जो हमारा जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो एक डिसीजन लिया कि जो बच्चे 2022 में नेशनल नहीं खेल पाए उन बच्चों को एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इसके लिए आपको मुबारक है और आप लोगों को मौका मिला है, स्पेशल मौका मिला है। और इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहिए कि इस साल की जो 2023 की जो नेशनल गेम है वो भी होंगी, लेकिन जो अभी जो आप नेशनल गेम खेलने जा रहे हो ये 2022 की है, तो इसके लिए मुबारक है आपको, क्योंकि सभी टीमें जो है आप जैसे 20 में हम नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड, 21 में नहीं कर पाए तो 22 में उन्होंने कर पाए, तो 22 वाला जो है वो आपको मौका दिया उन्होंने कि 22 के जो बच्चे थे जिन बच्चों को नेशनल खेलने का मौका नहीं मिला उनके लिए ये स्पेशल ये जो नेशनल गेम्स जो की जा रही है जो दिल्ली में आप जा रहे हो, तो इनकी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो टीमें हैं डिस्ट्रिक्ट की टीमें थी वो जहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे टीमें इकट्ठी हुई हैं और डिवीजन लेवल के कंपटीशन हो रहे हैं, यहाँ से आपकी है कि यूटी लेवल की टीम बनेगी और यूटी लेवल की टीम जो है वो दिल्ली जाएगी जो 5 जून से जो आगे जो नेशनल गेम जो दिल्ली में होने जा रही है। इसके अलावा एक और टूर्नामेंट एक और जो बाकी गेम है 10-12 गेम्स और हैं जो भोपाल में होने जा रही हैं, तो वो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 जून तक होगी, उनके लिए भी वो अलग अलग ग्रुप्स हैं तो वो भी बच्चों को मौका मिलेगा। तो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुनील जी इनके सारा जो स्टाफ है अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हमारे डिस्ट्रिक्ट का और उनमें हमारे लेक्चरर भी हैं या फिर मास्टर्स हैं ZPO हैं, तो आप सबको ये जो टूर्नामेंट जो मिली है जो आपको ये जो एक स्पेशल एक ड्यूटी मिली है तो आप अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। जैसे हमने अभी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी हमने इंटरमोरल में, तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो इंटरमोरल की रजिस्ट्रेशन है वो अच्छा उसका अच्छा नंबर है, तो इसके लिए मैं आपकी टीम को मुबारक दूंगा। और इसके अलावा जो अभी जो हमारी जो रिसेंटली जो कंक्लेव हुआ था स्पोर्ट्स कंक्लेव जिसमें आप सभी लोग शायद गए होंगे, तो उसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे जो रूटीन से हट के जो हमने काम करें, जैसे बच्चों मतलब स्कूल में बच्चों को हम तो गेम्स करवाते हैं स्पोर्ट्स करवाते हैं, लेकिन इसके अलावा सीनियर सिटीजंस के लिए भी हमने इस साल से ये जो स्पोर्ट्स गेम्स हैं ये इंट्रोड्यूस की है। इसी तरह से हाउस वाइफ जो है जो बेचारे जो घर का काम करती है जिनको कोई मौका नहीं मिलता, तो उन लोगों को भी जो हमारी जो टीचर जो हमारी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं जो लेडीज हैं वो उनको ऑर्गेनाइज करेंगी, तो उनके लिए भी मतलब शाम को या दोपहर के बाद जब कभी भी उनको टाइम हो तो उनके लिए भी हमने इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज जो है जो In the name of God, that we shall take part in enter this tournament with the true spirit of sportsmanship and shall abide all the rules and regulations provided by the National School Games Federation of India. ये तीन रंगे गुब्बारे चारों तरफ ये संदेश देंगे। खो खो का शुरू हो चुका है। माननीय अतिथि सभी टीमों के प्रतिभागियों से मिलते हुए और सभी का हौसला बढ़ाते हुए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट कठुआ और अब पहला मैच जो है ताकि हमारी रिबन काटने के साथ ही उसका विधिवत शुभारंभ करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट हम मंच पर आ रहे हैं। बच्चों के लिए करना है वो देखकर अपने बच्चों याद आता है कि किस प्रकार हम भी कभी कभी पसीना बहाते हुए ग्राउंड में खेला करते थे, कोई पानी की बोतल लेकर आप सबको इस टूर्नामेंट मैच देखने के बाद
छोटी सी भेंट देकर आभार प्रकट करें कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला। धन्यवाद सर कि आप हमने बुलाया। एक छोटा सा मोमेंटो देखें आज के खूबसूरत हमारे जोनल ऑफिसर्स भी साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे अनुरोध है कि अब आज का भोजन जो है वो आप हमारे साथ ग्रहण करेंगे। आज का ये जो टूर्नामेंट जो अभी यहाँ पे शुरू हुआ है ये एक्चुअली जो नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो 2022 का जो बैकलॉग था जहाँ पे जो नहीं हो पाए थे नेशनल गेम्स, तो उनको इन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो बच्चे 2022 में नेशनल नहीं खेल पाए उनके लिए ये एक स्पेशल एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो सभी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले थे और उसके बाद जो डिवीज़न या यूटी लेवल पे वो खेल के आगे नहीं जा पाए, नेशनल लेवल पे नहीं जा पाए, उनके लिए एक मौका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो दिया है कि नेशनल स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया जो है वो 2022 की जो स्पेशल जो नेशनल गेम्स वो करवाने जा रहे हैं। ये जून मतलब 5 से शुरू होगी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तो उन बच्चों को उन टीमों को सेलेक्ट करने के लिए ये जो टूर्नामेंट जो इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल टूर्नामेंट जो कठुआ में होने जा रहा है जो आज से शुरू हो रहा है, तो इसमें सभी 10 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जम्मू डिवीज़न के हैं उनकी टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, लड़के और लड़कियाँ। और यहाँ पे हमने देखा है कि जो भी इनके जो बच्चों के जो रहने का खाने का जो सभी अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर हमारे यहाँ पे उन्होंने किए हुए हैं। और इसी तरह से सभी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं जो है उनको अलग अलग गेम्स जो हैं अलग अलग इवेंट्स जो है वो हमने दिए हुए हैं। तो जहाँ पे भी 3-4 इवेंट कठुआ में दिए हैं, इसी तरह से जम्मू में हमने 5-6 इवेंट्स दिए हुए हैं, तो डोडा में भी है, रियासी पुंछ, मतलब हर जगह पे जो डिवीज़न लेवल के जो हमारे टूर्नामेंट है वो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो है अलग अलग इवेंट्स में होने जा रहे हैं। तो इससे जो बच्चे हमारे जो सिलेक्ट होंगे डिवीज़न लेवल जो टीम से वो यूटी लेवल पे खेलेंगे और यूटी लेवल की हमारी फिर एक टीम जो है वो
वो जाएगी न्यू दिल्ली में, जहाँ पे जो नेशनल गेम्स जो होने जा रही हैं 5 जून से, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसी तरह से जो बच्चे जो हैं ये काफ़ी ये मतलब ये उत्साहित हैं कि इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अदरवाइज़ तो 2022 के बाद एक्चुअली जब दिसंबर में गेम्स होती हैं तो दिसंबर में नहीं हो पाई, तो उस समय कोई मतलब हमारा था कोई 2 साल पिछले तो कोविड का इशू था वो नहीं हो पाए, तो इस साल 22 में भी नहीं हो पाए। बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? तो बच्चे जो है ये बहुत खुश हैं, बच्चों को लग रहा है कि जिनको जो नेशनल गेम्स खेलने का मौका नहीं मिला था, अब जैसे होता बच्चों को जो बच्चे खेलते हैं उनको जब वो नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन करेंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनको जो अब आगे कहीं किसी ने अगर कुछ प्रोफेशनल किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है वहाँ पे इनकी स्पोर्ट्स कोटा जो है वो बनता है। तो ये बच्चों को 2-3 साल से ये बच्चों को नहीं मिल रहे थे सर्टिफिकेट, तो इसलिए जो 2022 के हिस्से का जो हमारी जो नेशनल गेम थी वो बताइए कि बच्चों का जो गेम्स के थ्रू भी भविष्य बन सकता है, कोई कैरियर एज ए कैरियर चुन सकते हैं, इसके लिए जम्मू कश्मीर खेल विभाग क्या क्या कार्यक्रम? देखो बच्चों का स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स में कैरियर जो है वो बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जो हमारा जूसर्स है स्पोर्ट्स जो है वो तो शुरू से ही हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चों में जो स्पोर्ट्स जिन्हें जो परफेक्शन है वो लाई जाए और बच्चे जो है वो मतलब खाली पार्टिसिपेशन से हट के एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो मतलब उस तरफ जाए, वो मेडल ले सकें, वो मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एशियन गेम्स में ओलंपिक्स में जा सकें और इंडिया के लिए और अपने लिए अच्छी जो मतलब मेडल के साथ साथ आपको पता कि जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी डिक्लेयर हो गई है तो उसमें क्या है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी के जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन जो होगा उसको कुछ इंसेंटिव है, उसमें जॉब में भी है, उसमें स्कॉलरशिप वगैरह पे होता है, मतलब कैरियर अपना बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो इसी को लेकर से साथी ने कहा कि दिक्कतें थोड़ी बच्चों को आती हैं, उसको लेकर किस तरह उनको उनकी दिक्कतें जो स्टाफ को दिक्कतें आ रही है वो हम उनका हम ख्याल रखेंगे। सर बिल्डिंग को लेकर क्या कहना है कठुआ में, बिल्डिंग की समस्या है? बिल्डिंग की आपकी जो सबसे स्पोर्ट्स की बिल्डिंग एक्चुअली हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो रेंट पे ही मोस्टली रेंट पे ही है।